हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यू टू स्टडी चैनल और मैं हूँ हरलीन भारद्वाज। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रीवियस टू वीडियोस, जो कि मेरी वीडियो चल रही है 5000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ में, इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चंस। प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चंस वो ज़्यादा इंक्लूडेड हैं जो 2 से 3 बार रिपीटेड हो चुके हैं, और साथ के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आ रही हूँ। ये पार्ट 3 रहेगा। प्लीज़ वॉच द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं वीडियो के एंड में या फिर ऊपर कार्ड्स डिस्प्ले होते हैं तो उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके चले जाइए। आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। ओके, द लास्ट थिंग मेरे बोलने के लिए, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मुझे पता लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, और मुझे किस नए टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहिए। अब जैसे कि कंडक्टर का, फॉरेस्टर का, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इन सब के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ये जो सवाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सिलेबस, जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस है, आप उसको कहीं तक भी नहीं पहचान सकते बिकॉज इट इज़ हरियाणा, और हरियाणा की स्कीम बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। लेकिन आप हरियाणा के क्वेश्चंस के लिए गेस कर सकते हैं, आप उनको पढ़ के जा सकते हैं और उसमें से सही जवाब चुन सकते हैं। तो ये जो आपकी मुट्ठी में चीज़ है ना, इसको, ये जो मुट्ठी में रेत है, इसको फिसलने मत दीजिए, और ज़्यादा को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब रेत आप पकड़ते हो ना तो वो फिसल जाता है जो हाथ में होता है। ओके, तो कमेंट करना ज़रूरी, पता लग गया। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करोगे, मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा और उसे उसको क्लिक कर दीजिए, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, घंटी बजेगी भगवान की टन 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 टन, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, उसे क्या पता लग गया कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ओके, तो आज की सीरीज पार्ट 3 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक गोल्ड जो भैंस है उसे पूरे भारत में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है मुर्रा। आपको पता ही होगा, मेन बात क्या है, 20 से 26 लीटर एवरेज दूध देती है। कितना? 20 से 26 लीटर। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये जो फूड सिक्योरिटी मिशन जो शुरू किया गया था, ये 2007 से 2008 के बीच में शुरू किया गया था, और सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। एक बार ना सवाल आया था कि पशुधन के मामले में कौन अग्रणी है, तो मैंने मोस्टली जो बच्चे थे वो करनाल टिक करके आए थे, लेकिन मैं बता दूं कि अगर पशुधन के रूप में कौन सा जिला अग्रणी है या फिर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो प्लीज़ गो ऑन एंड टिक द हिसार। करनाल क्या है, फल सब्जी के लिए करनाल लगा दो, याद ना हो उन बच्चों के लिए बता रही हूँ, डेयरी के लिए लगा दो, दूध के लिए लगा दो करनाल, लेकिन भैंस के लिए, लेकिन भैंस के लिए, या फिर अगर पशुधन की बात की जाए तो हिसार इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है? देखिए, आपको पता ही है कि इंडिया, जो हरियाणा है वो इंडिया में रेन डेफिशिट एरिया में आता है, मतलब हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो पूर्ण रूप से, मतलब हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते वर्षा पर, तो इसलिए हमें नलकूप, कुएँ या फिर हमें नल लगाने पड़ते हैं, तो उनके द्वारा जो सिंचाई होती है, आप देखिए 51.12%, यानी कि आधे से ज़्यादा भाग पर हमें नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती, करनी पड़ती है। नेक्स्ट सवाल, 6th क्वेश्चन, 1987 में एक अभूतपूर्व सूखा पड़ा था। देखिए, इस अभूतपूर्व का मतलब होता है भूत, मतलब भूत में भी ऐसा ना, ऐसा कभी ना हुआ हो, ऐसा सूखा पड़ा था, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था महेंद्रगढ़ साइड के जिलों में, और तब महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ की फसलों को बचाया गया था। खरीफ की फसलों में क्या आते हैं, चावल आते हैं, और जिस नहर के थ्रू, जिस सिंचाई परियोजना के थ्रू से बचाया गया था, उसे बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई योजना, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई योजना, इसे याद कर लीजिएगा, या ऐसे याद कर लीजिए, जब हमारा देश भी बिल्कुल जब आज़ाद हुआ तो एकदम डगमग डगमग था, ठीक है, वो अपने पैरों पे ढंग से खड़ा होना नहीं जानता था, लेकिन उस टाइम क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनकर इसकी बागडोर संभाली और हमें बचा लिया। तो ऐसे ही महेंद्रगढ़, अगर क्वेश्चन आए कि महेंद्रगढ़ जिले में जब सूखा पड़ा तो खरीफ फसलों को कैसे बचाया गया, तो उसकी जो उत्थान सिंचाई परियोजना थी वो, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। मैं आपको थोड़ी ट्रिक्स बताती रहती हूँ, फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, प्लीज़ गो एंड लर्न देम। और फर्स्ट और सेकंड में ऐसे सवाल है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर ही ज़रूर पूछे जाएंगे। ओके,
अगला, अगर नरवाना शाखा लिंक की बात की जाए तो वहाँ पर जो जल है उसकी जो क्षमता है वो है 2700 क्यूजिक की क्षमता है। जो वाटर है वो क्यूजिक में नापा जाता है, QUSEC। तो अगला, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत, देखिए भिवानी में जींद में इतनी सिंचाई परियोजना, इतनी नहरें हैं बहुत ज़्यादा, तो जो भिवानी में जो उत्थान सिंचाई परियोजना शुरू की गई वो 220 किलोमीटर लंबी है, और उन्होंने बोला था कि नहरों का निर्माण कितना किलोमीटर तो करवाएंगे, 220 किलोमीटर लंबाई तक, इट्स अ ह्यूज 220 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए रेतीले भाग में सिंचाई आप कहाँ से करवाएंगे, तो रेतीली जो मिट्टी है तो वो ना उसमें जो सिंचाई होती है, देखिए सबसे पहली बात वो इतनी ऐसी होती है वहाँ की जो सॉयल होती है कि वहाँ पानी डालते ही वो नीचे चला जाता है सभी तरह पानी, क्योंकि सॉयल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, जो मिट्टी के जो कण है ना, रेत के जो कण हैं उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी को जगह मिल जाती है नीचे जाने के लिए बहुत जल्दी, तो वहाँ पर नलकूपों की सहायता से फव्वारों के द्वारा पानी दिया जाता है, ताकि मतलब पानी भी ज़्यादा ना लगे और फव्वारों के द्वारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अगला, JLN उत्थान सिंचाई योजना, JLN क्या है, यही है जो कि मैं बात करी थी अभी जवाहरलाल नेहरू, JLN जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई योजना के तहत जो पहली बार पानी छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था 1976 में, कब छोड़ा गया था 1976 में, याद कर लीजिए। अगला, 2012 में पशुगणना हुई थी, अब पशुगणना हो गई तो अब हरियाणा में जो गाय की संख्या है वो है 18,08,000, और जो टोटल पशुधन की जो संख्या है वो पड़ेगी 89.98 लाख, तो देखिए ऐसे याद कर लो 8998, तो क्या है 89.98 लाख, तो क्या हो गई पशुधन की संख्या हो गई, और क्या हो गई ये 18.08 हो गई, उसमें गाय, इसी में गाय, तो 89.98। ठीक है, अब एक ईख की खेती करके एक प्रहसन, मतलब एक हंसने वाला, एक हरियाणवी भाषा में लिखा गया था जो कि राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था, और राजा राम शास्त्री को जाना जाता है हरियाणा के प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक, समझ में आ गया। अगला, जो साझा सीर है वो किसने लिखा, वो रामफल चहल ने लिखे हैं, और साझा सीर भी एक कहानी है। अगला, ये साझा सीर जो है पारिवारिक संबंधों से रिलेटेड एक बुक है, और अगर कभी टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, तो रामफल चहल जी ने लिखी है। हमारे जो हरियाणा का जो प्रथम समाचार पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे, दीनदयाल शर्मा जी थे, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। प्रथम हरियाणवी फिल्म के जो निर्माता थे वो देवी शंकर थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी। ठीक है, ओके, रोहतक में जो हमारे जो हरियाणा में प्रथम कॉलेज अगर खोला गया है तो वो था रोहतक में 1926 में। ठीक है, ओके, अगला जो सवाल है ये काफ़ी बार पूछा जाता है बाबू मुरलीधर के ऊपर, और जो बाबू मुरलीधर जी थे वो कांग्रेस आंदोलन की अगर बात की जाए तो उसमें प्रथम जेल सत्याग्रही थे। ठीक है, अगला, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो जैन प्रकाश, जो कि जैन समुदाय के द्वारा निकाला गया था, और ये हरियाणा में प्रथम अगर हिंदी भाषा में कोई समाचार पत्र निकाला गया था तो वो थे जैन प्रकाश। ठीक है, अगला, हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई, तो 1880 में रेवाड़ी में आर्य समाज की प्रथम शाखा की स्थापना हुई। तो देखिए आर्य समाज की जो थिंकिंग थी वो क्या थी, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो, सो दयानंद सरस्वती जी इसको बहुत, मतलब इनके, इसके जो संस्थापक थे वो ये थे, और उन्होंने क्या कहा था कि वेदों की ओर चलो, क्योंकि वेद में जो लिखा हुआ है वो हमारी ट्रू फीलिंग्स को दिखाता है, और अगर हम उसके अनुसार बताए हुए पथ पर चलेंगे तो हमारा जो जीवन होगा वो बहुत ही समृद्ध होगा और अच्छा होगा। तो अब जब ये आर्य समाज एक फलने फूलने लगे, और आर्य समाज क्या बोलता था कि ये जो रिलीजन है या फिर जो कास्टिज्म पे बेस्ड हो गया है इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, तभी तो आर्य समाज के मंदिरों में जाकर लोग लव मैरिजेस करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम्स। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो इसलिए वहाँ पे आर्य समाज की प्रथम शाखा जब खुली तो रेवाड़ी 1880 में, उसमें क्या हुआ फिर उसके बाद हिंदुओं में एक मतलब बात आ गई कि भाई ये लोग आर्य समाज वाले अपनी शाखा खोल रहे हैं, और आर्य समाज क्या कर रहा है, हमारे समाज पर एक अजीब सा असर डाल रहा है, क्योंकि आर्य समाज से बहुत ज़्यादा लोग जुड़ने लग गए थे उस टाइम। तो क्या हुआ,
तो क्या हुआ, आर्य समाज की स्थापना के बाद हरियाणा के जो हिंदू समाज के जो कट्टर हिंदू जिनकी मैं बात करूं, तो वो उनको क्या लगा, डर लगा कि हमारे युवा कहीं आर्य समाज की तरफ इतने इतने ज़्यादा आकर्षित ना हो जाए कि वो अपने धर्म को भूलने लग जाएं। तो सन 1886 में सनातन धर्म की स्थापना कर दी गई झज्जर में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना आप कहाँ बताएंगे, 1880 में हुई थी रेवाड़ी में, और झज्जर में जो पहली ब्रांच खुली सनातन धर्म की हरियाणा में, वो सन 1886 में हुई। समझ में आ गया बात। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ, इसके एक ट्रिक बता देती हूँ। क्या, देखिए, संतोष सर्वोपरि होता है। अगर आपको संतोष मिले ना अपने काम में, आप कुछ भी करने में, तो वो हाईएस्ट है। तो संतोष क्या है, एवरेस्ट हो गया। तो अगर एवरेस्ट पर्वतारोही हरियाणा की पहली महिला की बात कर दी जाए, तो आप लिखेंगे संतोष यादव। हो गया याद। अगला, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। अब आपको बोलते हैं ना, प्रथम सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा जी। अब एक बात बताइए कि हमारे जो राज्य का पालक, जो राज्य को पाल रहा है या राज्य का पालक है, वो अगर धर्म पर ना चले तो क्या होगा, तो बुरा हो सकता है ना। तो राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर जी थे। आई होप आपको ये तीनों सवाल बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे कि प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही कौन थी, संतोष यादव जी थी। क्योंकि हमें एवरेस्ट जो है सर्वोपरि है, संतोष भी सर्वोपरि है, पहले पूजा भगवान की हो। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, और राज्य का पालन हमेशा धर्म से करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो थोड़ा सा धर्म को लेके, रिलीजन को लेके थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो राज्यपाल जी जो थे वो धर्मवीर जी थे। अगला, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हरियाणा से प्रथम कौन गए थे, वो थे नवाब मंसूर अली खां जी। और आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, बॉयज़ तो नोज अबाउट एवरीथिंग अबाउट द क्रिकेट। ठीक है, लड़कियों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं फिर भी आपको बता दूँ, नवाब मंसूर अली खां इंडियन क्रिकेट टीम के हरियाणा में से प्रथम थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम कैंसर संस्थान हरियाणा में कहाँ खुला है। देखिए, बाड़सा झज्जर में। आज के टाइम पे हर किसी को, मतलब हर तीसरे या चौथे इंसान को इतना बुरा हो गया है कि देखिए, सिगरेट बीड़ी तो आप छोड़ते नहीं हैं, मतलब आजकल के यंग बॉयज़ में मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़ जो इतनी बुरी है, जो आपको पता है कि आपको भी नुकसान दे रही है, आपकी फैमिली को भी दे रही है। जो सेकेंड हैंड स्मोकर है, सेकेंड हैंड स्मोकर मीन्स इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, जस्ट इमेजिन, आपकी बीवी, आपकी मम्मी, आपके बच्चे, चाहे वो छोटे छोटे हैं, वो भी सूंघ रहे हैं आपके साथ बीड़ी सिगरेट। तो क्या है, इससे माउथ कैंसर या फिर जो जो उसको लंग कैंसर, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, और सेकेंड हैंड स्मोकर्स को ज़्यादा हो रही है। तो आपसे ज़्यादा पी कौन रहा है, जो पे भी नहीं कर रहा है, आपकी फैमिलीज पे कर रही हैं। तो क्या कैंसर की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मतलब बाढ़ सी आई हुई है कैंसर्स के पेशेंट्स की। तो इसलिए कैसे याद करोगे कि प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पे है, बाड़सा झज्जर में। आई होप याद हो गया होगा। अगला, कानगी देवी अवार्ड जो है नारी शक्ति पुरस्कार है, और बेटियों को बचाने के लिए दिया जाता है। अगला, गुरुग्राम में इन्वेस्टर समिट हुआ था 7-8 मार्च 2016 में, यू का यू है, डेट है। इन्वेस्टर समिट क्यों हुआ था, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए कि आप आइए और हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा लगाइए। ओके, गुरुग्राम में हुआ। अगला सवाल, हरियाणा केसरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, पंडित नेकी राम शर्मा को। देखिए, जो नेक होगा उसी को तो आप कोई ना कोई वो बोलेंगे ना, कोई ना कोई उपाधि देंगे। तो इसको दे दी केसरी की उपाधि। तो केसरी हम किसको कहते थे, शायद भगवान हनुमान जी को हम केसरी बोलते थे। तो भगवान हनुमान जी क्या थे, बिल्कुल नेक बंदे थे, उनके पास कोई छल कपट नहीं था। हनुमान के पिताजी थे केसरी, तो केसरी नंदन थे। तो केसरी नंदन जी से ही याद कर लीजिए कि केसरी कौन थे, मतलब हनुमान जी थे, समझ लीजिए। तो वो नेक थे ना, तो इसलिए हरियाणा केसरी का जो वो है टाइटल दिया गया, किसे दिया गया, पंडित नेकी राम शर्मा जी को। ओके, अगला चलें। अगला है सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो है भीम पुरस्कार, भीम। अगला, सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो अगला सवाल है कि लोह पुरुष किसे कहा जाता है। देखिए, अक्सर जो बच्चे हैं ना कंफ्यूज होते हैं, मतलब हरियाणवी में बिचल जाते हैं कि वो केसरी किसको लगाए, लोह पुरुष किसको लगाए। तो केसरी मैंने आपको याद करवा दिया। अब एक बात बताइए, बंसी जो है वो लोहे की बन सकती है ना, तो याद रखेंगे ना कि बंसी बनी हुई है लोहे की, तो लोह पुरुष जी किसको बोलते हैं, बंसीलाल जी को। इससे ज़्यादा ट्रिक्स
कम से कम मैं तो नहीं दे सकती, कोई और चैनल दे रहा है, कोई और बंदा आपको पढ़ा रहा है, ही इज लाइक मतलब वो तो भगवान समान हो गया कि वो इससे ज्यादा ट्रिक्स दे रहा है, तो मेरे बस की नहीं है, मैं जितना करवा रही हूँ ट्रिक्स के थ्रू। आई होप आपको ये चीजें याद हो रही है, ठीक है। अगला, एशिया का लार्जेस्ट एनिमल फार्म कहाँ पे है, तो वो है हिसार में। मैंने कहा ना हिसार ऑप्शन ट्रिक कर दीजिएगा अगर एनिमल से रिलेटेड कोई भी बात आ रही है तो। एशिया का लार्जेस्ट एनिमल फार्म इज इन हिसार। पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, मोरनी हिल्स को। अगला, देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य है, ऑफकोर्स हरियाणा। हमारे यहाँ देखे ना कितने ट्रैक्टर्स चलते हैं, तो हम उत्पादन भी सबसे ज्यादा करते हैं। हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है, ये आप याद कर लीजिए। देखें शी से भी कर लीजिए, जो भी मतलब है, हरियाणा की काशी भिवानी को कहा जाता है। और पीतल नगरी किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को, ठीक है। अब अगला जो सवाल है कि सरस्वती नगर हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है, तो सिरसा को, स से सिरसा, स से सरस्वती, तो सिरसा को सरस्वती नगर कहा जाता है। जींद को जयंती देवनगर के नाम से जाना जाता था। हरियाणा की स्टील सिटी इज हिसार, एक बार क्वेश्चन आ चुका है स्टील सिटी किसे कहते हैं, तो हिसार। मिक्सी सिटी के बारे में पूछ चुके हैं, तो वो है अंबाला। कई बार साइंस सिटी भी पूछ रहे थे, तो वो भी अंबाला है, लेकिन अगर पूछे कि नया साइंस सिटी कहाँ बन रहा है, तो वो है मुरथल, सोनीपत में पड़ता है मुरथल। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है मुरथल में, दीन बंधु चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी, ओके। और चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी जो पहली यूनिवर्सिटी थी जो गवर्नमेंट बनी थी इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए, ओके। अगला, धान का कटोरा क्या है, करनाल को बोलते हैं। धर्म नगरी, भाई कुरुक्षेत्र में अगर धर्म नहीं है तो कहीं तो धर्म है ही नहीं, तो कुरुक्षेत्र के नाम से धर्म नगरी याद कर लीजिए। और कपिल मुनि की नगरी कहते हैं कैथल को, ओके। क से कपिल मुनि, क से केथल, तो कपिल मुनि की नगरी कहते हैं कैथल को। थैंक यू सो मच, ये वीडियो समाप्त हुई। शेयर एंड कमेंट, और प्लीज हमने ना मेरे जो चैनल मेट है और मेरी जो दोस्त है साधना देवी चौहान, उसने अपनी वीडियोस बनाई है इंग्लिश पे, इकोनॉमिक्स पे, तो प्लीज जाके देखिए। इंग्लिश तो बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स के लिए बनाई हुई है, तो जितने भी सवाल आते हैं ना, मतलब अगर उस मतलब एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, तो अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप जाइए चैनल को विजिट कीजिए, और मैं एंड में आपको दे दूंगी उसका लिंक। इंग्लिश ज़रूर देखिएगा, मेरी बाकी वीडियोस भी देखिए, एंड स्टे ट्यून्ड, जल्दी से ही इसकी फोर्थ वीडियो भी आएगी। बाय बाय।